नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सीआरपीएफ जवान ने पत्नी एवं बच्चों समेत खुद को किया मौत के हवाले। प्रयागराज सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पडीला में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सीआरपीएफ जवान ने अपनी पत्नी, दो बच्चों को गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना की जानकारी होने पर सीआरपीएफ के आला अधिकारी और जिले के पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच कर रहे हैं। ड्राइवर के पद पर तैनात सीआरपीएफ जवान थरवई थाना क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ग्रुप सेंटर है। ग्रुप सेंटर में ही रहने वाले 244 बटालियन में ड्राइवर के पद पर तैनात विनोद कुमार यादव प्रयागराज जनपद में मेजर तहसील के सिरसा इलाके का रहने वाला था। उसने शुक्रवार रात पत्नी विमला, 15 वर्षीय बेटा संदीप और 12 वर्षीय बेटी सिमरन को गोली मार दी। पत्नी और बच्चों की मौत के बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इससे चारों की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी होने पर सीआरपीएफ के जवानों में खलबली मच गई। जवान ने ऐसा कदम क्यों उठाया है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। सूचना पाकर सीआरपीएफ और जिले के आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष थरवई भुवनेश्वर चौबे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक कलह माना जा रहा है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जवान के घर वालों को सूचना भेज दी गई है, वो भी घटना स्थल के लिए चल चुके हैं। खबर जगत के लिए ब्यूरो प्रयागराज की रिपोर्ट। वजह क्या रही? तो वजह तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। विनोद यादव आरक्षी चालक हैं सीआरपीएफ के यहाँ से, और उनके द्वारा अंदर से दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने पूरे परिवार को मार दिया गया है और स्वयं भी आत्महत्या कर ली गई है। कई गोलियों के खोखे वहाँ मिले हैं और कई इंजरी दिखाई दे रही हैं, पैर में जैसे लग रही हैं। पोस्टमार्टम के बाद, सारी चोटों के आने के बाद और पूरी जांच के बाद घटना के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। जो सर, जिससे गोली मारी गई है, क्या लाइसेंसी है कि सरकारी है क्या? प्रथम दृष्टया लाइसेंसी रिवॉल्वर लग रहा है, वो मौके से मिला है। और एक पैरार्मी इंजरी खुद विनोद यादव आरक्षी चालक को भी है, और उसके बाद उसके अपने को फांसी लगा ली है और बेटी को और अपनी पत्नी को गोली मार दी। किस तरह कार्रवाई की जा रही है? जांच किया जा रहा है, मौके पे सारे फॉरेंसिक एविडेंस किए जा रहे हैं, बाकी आस पास के लोगों से जांच की जा रही है, इंटरनल इंक्वायरीज वगैरह के बारे में जानकारी ली जा रही है, व्यवहार के बारे में जानकारी ली जा रही है, उनके परिजनों से वार्ता की जा रही है ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट होकर हमारे सामने। थैंक यू।